दोस्तों आज मेरे पास है रियल मी एक्स मोबाइल और आज मैं करने वाला हूँ रियल मी एक्स का अनबॉक्सिंग। तो रियल मी एक्स आज ही मेरे को आया है, तो इसका 2-8 सेल था, उस सेल में मैंने इसको परचेस किया था और आज ही मेरे पास आया है। तो आज इसका चलिए देख लेते हैं इसका थोड़ा सा छोटा सा अनबॉक्सिंग और इसका और भी डिटेल्स। बहुत सारे वीडियो में रियल मी एक्स के बारे में लेके आना चाहता हूँ, लेकिन ये वीडियो सिर्फ अनबॉक्सिंग का है तो छोटा ही होगा, तो आप एक बार देख लीजिए। तो दोस्तों नए वीडियो में फिर से आपको स्वागत करते हैं, मैं और आप देख रहे चैनल टेक्निकल एम। चलिए देख लेते हैं रियल मी एक्स का अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों बॉक्स ओपन करने के बाद आपको बॉक्स में ये कंटेंट मिलेगा। ये बॉक्स, ये है आपका बुक चार्ज 3.0, जिसका रेटिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। 4 एम्पेयर 5 वोल्ट 4 एम्पेयर आउटपुट है इसका और इसमें फर्स्ट टाइम आपने आपको देखने को मिलेगा USB टाइप सी रियलमी मोबाइल में। उसके बाद है आपका ये है मोबाइल, एक कवर, एक हार्ड कवर यहाँ पर दिया है उन्होंने, बहुत ही हार्ड है ये, बहुत हार्ड। और यहाँ पे कुछ पिन इजेक्टर, कुछ यूज़र मैनुअल और ये है बॉक्स का ऊपर का ढक्कन। तो टोटली बॉक्स कंटेंट ही है। तो कवर बहुत ही बढ़िया दिया है और बहुत ही हार्ड है ये कवर और मोबाइल। तो चलिए अब हम मोबाइल को ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो गया रियलमी ऑन। ऑन होने के बाद अब हम दिखाते हैं आपको उसके सारे डिटेल्स। तो दोस्तों बॉक्स के ऊपर ये जो पॉलीथीन है वो पहले मैं हटा देता हूँ यहाँ पर। और मैं ये फ़ोन आपको वाइट कलर के लिया हूँ, जो बहुत ही बढ़िया देखने में है और एक बहुत ही बढ़िया लुक दे रहा है आपको। हालांकि ये आपको पॉलीकार्बोनेट का बैक मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये फ़ोन ऑलरेडी ऑन हो चुका है और इसमें आप थोड़ा सा अगर देखेंगे तो स्क्रीन का जो गार्ड है वो ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे रियल मी सभी मोबाइल में रहता है। इस मोबाइल में भी स्क्रीन गार्ड लगा हुआ है, तो पहले आपको कोई भी ग्लास की ज़रूरत नहीं है ख़रीदने के लिए। और तो फ़ोन यहाँ पर ऑन हो चुका है। ऑन होने के बाद आपको ऐसा देखने को मिलेगा, थोड़ा सा ही आपको बिजल देखने को मिलेगा नीचे में, थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन विदाउट एनी नॉच डिस्प्ले आ रहा है रियल मी की तरफ से। ये पहला फ़ोन है और बहुत ही बढ़िया है। और बैक में अगर हम देखेंगे तो 48 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल और यहाँ पर फ्लैश। और फ्लैश के बाद इसका जो मॉडल नंबर है वो है RMX1901 और ये है 4GB 128GB का। और यहाँ पर जो साल वैल्यू मेंशन किया है ऑलरेडी 1.197 हेड में है और 0.829 है आपका बॉडी में, ठीक है। और बाईं तरफ अगर आप ऊपर में देखेंगे ऊपर में, तो यहाँ पर पॉपअप कैमरा जो है और यहाँ पर नॉइज कैंसिलेशन है। और दाईं तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है और यहाँ पे है वॉल्यूम, यहाँ पे सिम ट्रे दिया हुआ है और यहाँ पर दिया है पावर ऑन ऑफ स्विच, जो कि येलो कलर में दिया हुआ है। आप यहाँ से ठीक से अगर देखेंगे तो मिल जाएगा देखें। और नीचे में इधर है स्पीकर, इधर है सी टाइप पोर्ट, इधर है माइक और इधर है 3.5 mm जैक। और बाईं तरफ आपको वॉल्यूम रखकर देखने को मिल जाएगा। ऑन होने के बाद यहाँ पर कलर सीस के साथ एंड्रॉयड पाई वाला जो है वही है ये आपको मिलेगा। अबाउट फोन में जाकर अगर हम देखेंगे तो रियलमी X1901 वर्जन 6.0 एंड्रॉयड 9 पाई और स्नैपड्रैगन 710। और इसमें आपका सिक्योरिटी पैच दिया है वो है June 5। तो ये है कुल मिला के फ़ोन। फ़ोन में आपको कुछ एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर देखने को मिल जाएगा, जैसे वेब नोवेल, न्यूज़ पॉइंट, UC ब्राउजर। तो ये सब आप आसानी से यहाँ से चाहे तो अनइंस्टॉल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और ऐप डॉर पहले से ही यहाँ पर दिया हुआ है, तो डेली हैंड फिली हैंड बोल के बहुत सारे एक्स्ट्रा ऐप आपको देखने को मिल जाएगा। और इसमें लॉक स्क्रीन मैगजीन सब कुछ यहाँ से पहले से ही आपको मिल जाएगा इन द बॉक्स। और जो मेन जो हाइप है वो है पॉपअप सेल्फी कैमरा। तो पॉपअप सेल्फी कैमरा को एक बार हम चेक करते हैं। देखिए पॉपअप, अब मैं फ्रंट का जब भी फ्रंट का हम यह करेंगे संग ये फ़ोन पॉपअप निकल के आ रहा है, तो बहुत ही जल्दी ये निकल के आ रहा है, जो कि बहुत बढ़िया है। और बैक कैमरे में आपको ये सारे सेटिंग्स आपको देखने को मिलेगा, HDR ऑटो ऑन ऑफ। और उसके बाद अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्रोमा बूस्ट मोड है और यहाँ पर और इस इतना सारे थीम आपको यहाँ से मिल जाएगा। और यहाँ पर सेटिंग्स में अगर जाएंगे सारा ऑप्शन आपको मिल जाएगा। और वाटरमार्क एक ने बाई डिफ़ॉल्ट नहीं रहता, तो वाटरमार्क करना है आपको तो रियल में एक्स लिखा आएगा। उसके बाद सेटिंग्स में यहाँ पर जाएंगे तो आपको नाइट स्केप मोड देखने को मिल जाएगा, पैनोरामा एक्सपर्ट, टाइम लैप्स, स्लो मोड ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। स्लो मोड में हम जाएंगे तो यहाँ पे 240, 960 और 120 FPS ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। तो और अगर एक्सपर्ट मोड में हम जाएंगे तो एक्सपर्ट मोड में यहाँ पे एक्सपोजर सब कुछ आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ये सारे फीचर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ मेरे को 48 मोड में हम कैसे फोटो
उठाए, वो वाला ऑप्शन मेरे को नहीं देखने को मिला, क्योंकि अगर हम इसमें कोई भी फ़ोटो उठाते हैं, अगर आप देखेंगे तो ये फ़ोटो अगर हम उठाएंगे यहाँ पर, तो इस फ़ोटो का जो साइज़ है वो हो रहा है आपका 1.9 MB। तो इसमें पता नहीं 48 वाला ऑप्शन क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे को शायद नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर पोर्ट्रेट शॉट देखने को मिलेगा, फ़ोटो मिल जाएगा, वीडियो 1080p 1080p और 4K मोड में वीडियो रिकॉर्डिंग करने का ऑप्शन मिल जाएगा, और फ्रंट के में भी आपको 1080p 1080p में मिल जाएगा। और फोटो में फ्रंट का जो ऑप्शन है यही है, HDR भी है, सब कुछ है, और AI भी है, तो ये सारे चीज़ आपको मिल जाएगा। यहाँ पर मैं कुछ पिक्चर का सैंपल दे दूँगा, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम वाइड वाइन L1 का बात करेंगे, तो वाइड वाइन L1 का सपोर्ट यहाँ पे बॉक्स के बाहर होते ही आपको मिल जाएगा। देखिए सिक्योरिटी टेबल है वाइड वाइन L1, तो वाइड वाइन L1 सपोर्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और अगर हम एक बार फिंगरप्रिंट को, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है और आपका फेस अनलॉक है, वो एक बार हम चेक कर लेते कितना फास्ट है, और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट कितना फास्ट है वो भी हम चेक कर लेते हैं यहाँ पर। तो इन डिस्प्ले फिंगर सेटिंग्स में जाइए, सेटिंग्स में जाने के बाद आपको फिंगरप्रिंट और पासवर्ड में यहाँ पर लगेगा, तो फिंगरप्रिंट ऐड करना है मेरे को, ऐड फिंगरप्रिंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 पासवर्ड देते हैं, 2 3 4 5 6। तो अब देखिए यहाँ पर फिंगरप्रिंट आ गया, तो यहाँ तो दोस्तों फाइनली यहाँ पर फिंगरप्रिंट सेंस ऐड हो गया। तो बहुत ही टाइम लगा आपको, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी बहुत ही टाइम लगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर फिंगरप्रिंट हम चेक करें तो बहुत ही फास्ट चल रहा है यहाँ पर, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट होते भी बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। चलिए अब देख लेते हैं हम फेस अनलॉक कैसे काम करते हैं। तो फेस अनलॉक, फेस एनरोल करते हैं हम, पासवर्ड देखें तो एनरोल फेस बोलते हैं हम यहाँ पर, तो एनरोल फेस होते कंटिन्यू करते हैं तो बहुत ही क्विक देखते हैं कितना जल्दी होता है। तो फेस अनलॉक बहुत ही क्विक यहाँ पे ऐड हो गया, आप देखते हैं कितना फास्ट होता है। तो जब हम स्वाइप अप करेंगे तो ये काम कर रहा है। तो यहाँ पर और एक ऑप्शन है, बाय स्वाइपिंग अप और प्रेस द पावर बटन। तो ये काम करने से आपको क्या होगा, ये स्विच अप दबाने से ऑटोमेटिकली ऑन होके हो जाएगा। तो यहाँ पर क्लोज आई वाला ऑप्शन ही है, तो ये भी आप कर सकते हैं। तो मैंने स्वाइपिंग आप कर दिया क्योंकि बार बार हमें नहीं चाहिए, तो ऐसा ऊपर करेंगे तो ये फेस अनलॉक भी बहुत ही फास्ट है। आप देख रहा है जब भी हम ये कर रहा है कितना जल्दी वो उठ के वो हो रहा है, तो फेस अनलॉक यहाँ पर बहुत ही फास्ट काम कर रहा है। तो चलिए एक बार उन तो बेंच मार्क स्कोर हम देख लेते हैं। यहाँ पर 156,633 यहाँ पर आया है बेंच मार्क स्कोर, जो कि बहुत ही अच्छा है 710 के लिए, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पे जितना सारे सेंसर आप, सभी सारे सेंसर यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे जो ग्राफिक्स का क्वालिटी है और सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, इसमें ग्राफिक्स क्वालिटी बहुत ही बढ़िया चल रहा है। चलो एक बार साउंड को हम टेस्ट कर लेते हैं, यहाँ पर साउंड कैसे है। साउंड बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही स्वीट साउंड है यहाँ पर। तो साउंड आप चलते हैं, तो यहाँ पे साउंड का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है, ठीक है, साउंड का क्वालिटी बहुत ही बढ़िया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और एक चीज़ यहाँ पर, ये जो फ्रंट कैमरा अगर आपको खुला रहेगा तो अगर आप ऐसे फ़ोन गिरेगा तो ये 2 फुट ऊपर से ऐसे गिर जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये बंद हो जाएगा, तो ये भी सेंसर यहाँ पर लगा हुआ है। तो सिर्फ इस मोबाइल में एक ही मिसिंग है, वो है आपका कोई भी नोटिफिकेशन LED लाइट आपको देखने को नहीं मिलेगा, और ये जब स्क्रीन ऑफ रहेगा और एक तब आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा हिलने से भी यहाँ पे लाइट आ जाएगा, तो यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट अटैच कर सकते हैं। और एक चीज़, ये जो कवर दिया है कवर में लगाने से बहुत ही बढ़िया फील लग रहा है। तो
तो दोस्तों यही था एक आपका छोटा सा रियलमी एक्स का अनबॉक्सिंग, जो कि बहुत ही बढ़िया फ़ोन है और 710 प्रोसेसर है जो कि बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है इसमें। और इसका जो मेन लुक है, डिस्प्ले क्वालिटी तो बहुत ही बढ़िया है और फिंगरप्रिंट इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत बढ़िया काम कर रहा है और आपका जो पॉपअप सेल्फी कैमरा भी बहुत ही स्पीड काम कर रहा है। तो इसके बाद मैं और भी रिव्यू लेके आने चाहता हूँ इसका, ओप्पो K3 के साथ इसका कंपेयर भी करने वाला हूँ और जितना सारे टेस्ट है, GCam टेस्ट और बहुत सारे टेस्ट में इसको लेके आने वाला हूँ। तो अगर आप रियल मी एक्स के बारे में और भी वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, और आप कोई भी वीडियो इसमें कोई भी टेस्ट अगर चाहते हो तो मेरे को कमेंट में कर दो, मैं उसका भी वीडियो लेके आऊँगा। तो दोस्तों यही था रियल मी एक्स का छोटा सा अनबॉक्सिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दी, शेयर कर दी, मेरे चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो रोज़ लगा। तो दोस्तों इतना ही, बाय।